आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 पर दोस्तों आप सुन रहे हैं रंग तरंग, साथ है आपके आमिर और एक प्यारी सी गजल जिसने नज्म का लबादा ओढ़ा है, सोहन सलूजा साहब की। फिर हुआ कोई रुसवा तुम्हारे लिए, चांद निकला है तन्हा तुम्हारे लिए, आज तस्वीर तुम भी बनाते मेरी, मैं भी गजल एक लिखता तुम्हारे लिए। मुद्दतों आके यादें सताती रहीं, तब कहीं दिल ये धड़का तुम्हारे लिए। एक तरह एक तारा अभी जगमगाता हुआ आसमां से उतरा तुम्हारे लिए। राह तकती रही मस्त आंखें मेरी, रात भर दिल भी धड़का तुम्हारे लिए। गीत तुमने भी मेरे गुनगुनाए कई, साज हमने भी छेड़ा तुम्हारे लिए, साज हमने भी छेड़ा तुम्हारे लिए। हजार बातें कहे जमाना, हजार बातें कहे जमाना, मेरी वफा पे यकीन रखना, हर एक अदा दिल की, मेरी सदा पे यकीन रखना, हजार बातें कहे जमाना। किसी को अजीब शहर ये पैरी दुनिया, किसी को हंसता न देख पाए, अजीब शहर ये पैरी दुनिया, अजीब शहर ये पैरी दुनिया, ये बेमुरावत है बेवफा है, न बेवफा हजार बातें कहे जमाना। नजर में रहना है खुश नसीबी, नजर से गिरना है बेचैनी,
मेरी हया पे यकीन रखना, हजार बातें कहे जमाना। दिखाएगी रंग असल का एक दिन, कभी किसी मोड़ पर दुआएं। दिखाएगी रंग असल का एक दिन, कभी किसी मोड़ पर दुआएं, कभी किसी मोड़ पर दुआएं। गुजर ही जाएंगे दिन गमों, मेरी दुआ पे यकीन रखना, हजार बातें कहे जमाना। मेरी वफा पे यकीन रखना, हर एक अदा में है बेगुनाही। मेरी अदा पे यकीन रखना, हजार बातें कहे जमाना। दोस्तों, राम दुलारी शर्मा जी की एक बहुत ही प्यारी कविता आपकी नजर। आप लिखती हैं, घर स्मृतियों में, घर कभी भी नहीं होता अकेला। स्मृतियों में घर कभी भी नहीं होता अकेला। कई कई दृश्यों को समेटे हुए खुलती है बीते दिनों की किताब। पौर की छानी पर आज भी सूखती है मां की तार तार धोती, पिता की जेबदार बनियान और हमारे बचपन के कपड़े। जर्जर अटारी पर पटमा जो टिका है टेकों के सहारे, जब जब धसकती है माटी उड़ जाती है पिता की नींद। कांप उठती हैं घर की दीवारें, रंभाती है मंढा पे बंधी बछिया। लगातार बारिश और सीलन से दही की मथनियां, अरई और सेवड़ा भर गए फफूंद से। जमीन में खची कनारी में कंद रही है ज्वार। बारिश की कठिनाइयों का एहसास होता है आज भी, टपका तो कहीं दीवार पकड़कर बह रहे हैं रेले। बौछारों की मार से तरबतर दीवारों से झिरता है पानी। मजोटे से पानी उलीचती मां, गीले चूल्हे में धुंधाती लकड़ियां। चूल्हा फूंकते फूंकते लाल सुर्ख आंखों से देखती है गुंदे आटे की पीड़ को। सोचती है मां, आज कैसे बनेंगी इतनी सारी रोटियां। रात भर नहीं लगती पिता की आंख छतरी की नोक से, कबेलू सरकाकर रोकते हैं रेला। सुधारते हैं टपका, हमें नींद में पता ही नहीं चलता कब पहुंचा हमारा बिछौना सूखी जगह। बारिश थमते ही आ गए तोतों के कई कई झुंड,
छान पर लदी निबोरियों के बीज चुनने, नीम से झड़ती जर्द पत्तियों और खपरों पर जमी जमी मिट्टी में बीज हो रहे अंकुरित, अनगिनत हरे पौधों के रूप में सुबह की हल्की पीली धूप में आज भी हर हरा उठता है सबसे सुंदर फूल की तरह मेरा बचपन, मेरा बचपन, मेरा बचपन। राम दुलारी शर्मा। चलते हैं मंजिल पे पहुंच
चलते हैं लाखों ही मुसाफिर चलते हैं मंजिल पे पहुंचते सबा अकबर आबादी का कलाम आपकी नजर करते हैं कि उसको भी हमसे मोहब्बत हो जरूरी तो नहीं, इश्क ही इश्क की कीमत हो जरूरी तो नहीं। एक दिन आपकी बरहम निगाही देख चुके, रोज एक ताजा कयामत हो जरूरी तो नहीं। मेरी शमाओं को हवाओं ने बुझाया होगा, ये भी उनकी ही शरारत हो जरूरी तो नहीं। और अहले दुनिया से मरासिम भी बरतने होंगे, हर नफ्स सिर्फ इबादत हो जरूरी तो नहीं। दोस्ती आपसे लाजिम है मगर इसके लिए सारी दुनिया से अदावत हो जरूरी तो नहीं। पुरसिशे हाल को तुम आओगे उस वक्त मुझे लब हिलाने की भी ताकत हो जरूरी तो नहीं। और सैकड़ों दर हैं जमाने में गदाई के लिए, आप ही का दर दौलत हो जरूरी तो नहीं। बाहमी रब्त में रंजिश भी मजा देती है, बस मोहब्बत ही मोहब्बत हो जरूरी तो नहीं। जुल्म के दौर से एक राह दिली काफी है, एक खूनरेज बगावत हो जरूरी तो नहीं। एक मिसरा भी जो जिंदा रहे काफी है सबा, मेरे हर शेर की शोहरत हो जरूरी तो नहीं। मेरे हर शेर की शोहरत हो जरूरी तो नहीं। आरज़ू के साथ
काश के दिन दो दो होते इश्क में, काश के दिन दो दो होते इश्क में, एक रहता एक खोते इश्क में, काश के दिल दो दो होते इश्क में, काश के दिल दो दो होते इश्क। बरसों काटे हमने सोते इश्क में, काश के दिल दो दो होते इश्क में, काश के दिल दो दो होते इश्क। काश पी जाया ही करते अश्क को, काश पी जाया ही करते अश्क को, काश पी जाया ही करते अश्क को, दाग दिल पर के तो धोते इश्क में, काश के दिल दो दो होते इश्क में, काश के दिल दो दो होते इश्क। देखे हैं क्या क्या ढलकते अश्क वीर, देखे हैं क्या क्या ढलकते अश्क वीर, बैठे मोती से पिरोते इश्क में, काश के इश्क में, काश के दिल दो दो होते इश्क में, एक रहता एक
इश्क में काश के दिल दो दो होते इश्क में। सुशांत मोहन लिखते हैं, उन्वान है उसने कहा था। एक दिन जब मैंने तुम्हें याद किया तो उन्होंने कहा, कब तक एक ही याद को याद करना। एक दिन जब मैंने तुम्हें भूल जाना चाहा तो उन्होंने कहा, देखो वो कैसा झूठा निकला। एक दिन भी मैं तुम्हें भूल नहीं पाता हूं, तुम मुझे याद आते हो, उसने कहा था। एक दिन जब मैंने तुम्हें याद किया तो तेरे खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे, प्यार में डूबे हुए खत मैं जलाता कैसे, तेरे हाथों के लिखे खत में जलाता कैसे। जिनको दुनिया की निगाहों से छुपाए रखा, जिनको एक उम्र कलेजे से लगाए रखा, दिन जिनको जिन्हें ईमान बनाए रखा, तेरे खुशबू में बसे खत मैं जलाता जिनका हर लफ्ज मुझे याद था पानी की तरह,
याद थे मुझको जो पैगाम जुबानी की तरह मुझको प्यारे थे जो अनमोल निशानी की तरह तेरे खुशबू में बसे पत्ते मैं जलाता कैसे तूने दुनिया की निगाहों से जो बच कर लिखे साल हर साल मेरे नाम बराबर लिखे कभी दिन में तो कभी रात को उठ कर लिखे तेरे खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे प्यार में डूबे हुए खत मैं जलाता कैसे तेरे हाथों के लिखे खत मैं जलाता कैसे तेरे खत आज मैं गंगा में बहाया तेरे खत आज मैं गंगा में बहाया आग बहते हुए मन की बात है जन जन की सभी की कुछ अपनी सी संघर्षों के कुछ किस्से कहानी कुछ सफलताओं की अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ तो सुनिए इस महीने 24 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर तो याद रखें रविवार 24 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात चले आप सभी लिसनर्स के पैगाम जल्दी जल्दी ले लेते हैं बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन साहब वीना मस्कीन आशीष राजा चैतन्य मस्कीन चंडीगढ़ से राहुल खुराना रचिता खुराना जी का पैगाम हम तक पहुंचा है और कौशल दुबे मोहन नगर गाजियाबाद से हमारे साथ हैं और इसके अलावा सरोज बंसल हैं अनूप कौर गुरुग्राम से हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका और पटेल नगर मलौट से डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया हैं गीता रानी जजोरिया हैं गगनदीप जजोरिया हैं और बेबी आरजू जजोरिया हैं और आयशा वैभव हिमांशु ठाकुर आंचल और वरुण हैं जयपुर से हमारे साथ
और इसके अलावा सोहन सलूजा साहब ईस्ट ऑफ कैलाश से हमारे साथ हैं। शुक्रिया सोहन साहब, अच्छी नज़म लिखी है आपने। कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक और आकांश मलिक हमारे साथ मजनू का टीला से शामिल हैं। और गुन्नौर से अदील कमर, तस्दीक अली, मुजफ्फर अली साहब हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त आपके पैगाम का और हौसला अफजाई करने का, इससे हमें और भी बेहतर करने की, प्रोग्राम करने की तौफीक मिलती है। और ये हैं अश्विनी साहब वर्जीनिया यूएसए से, हमारे एनआरआई दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी साहब। और गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से हैं हमारे साथ। सबाइकराम की एक कलाम उनका आपकी नजर करते हैं। सबाइकराम, आवाज के पत्थर जो कभी घर में गिरे हैं, आसेब खामोशी के सबा चीख पड़े हैं, पाजेब के नगमों की वो रुत बीत चुकी है, अब सूखे हुए पत्ते सांगन में पड़े हैं, छिप जाएं कहीं आके बहुत तेज है बारिश, छुप जाएं कहीं आके कि बहुत तेज है बारिश, ये मेरे तेरे जिस्म की तो मिट्टी के बने हैं, इस दिल की हरी शाख पे जो फूल खिले थे, लम्हों की हथेली पे वो मुरझा के गिरे हैं, इस घर में किसे देते हो अब जाके सदाएं, वो हारे थके लोग अब सो भी चुके हैं, वो हारे थके लोग तो अब सो भी चुके हैं। किताब नाज़ी के पन्ने
जाने कौन सा पन्ना मुड़ा हुआ निकले, न जाने कौन सा पन्ना मुड़ा हुआ निकले। ये गजल जनाब वसीम बरेलवी साहब की है और अभी जो मैंने शेर पढ़ा वो असल में थोड़ा सा अलग है, लेकिन मैंने अपनी सहूलियत के लिए थोड़ी सी गुस्ताखी की है, जिसकी मैं माफी चाहूंगा आपसे भी और जनाब वसीम बरेलवी साहब से भी। वो शेर असल में कुछ ऐसे है, किताब माजी के और आग उलट के देख जरा, किताब माजी के और आग उलट के देख जरा, न जाने कौन सा सफा मुड़ा हुआ निकले। लीजिए अगला शेर पेश कर रहा हूं। हमारे साथ दिलावर खान हसीना बानो हैं रघुवीर नगर दिल्ली से, और इसके अलावा हमारे साथ राजन गर्ग हैं मुजफ्फरनगर से, और हम भी टाइम से आ गए हैं रोहिणी सेक्टर 15 से, हनी मनी और सनी, और जेक उमर साहब हमारे साथ हैं पोलैंड से। बिल्कुल हमें याद है कोमल पाहुजा जी भी हमें सुन रही हैं।
मजे मजे की हिदायतें, वो हरे कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद। और इसी के साथ आपका आमिर आपसे इजाजत चाहता है, फिर किसी सोमवार को आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज, ख्याल रखें अपना।